तो जिनको इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल ही नहीं है वो तो गाएंगे ही बिल्कुल। जैसे कि हमारा फैमिली से केहू भी म्यूजिक से दूर दूर तक रिश्ता ना, तो हम कैसे रिंग रिंग के आयल बनी है हम जानता नहीं। और देखिए जे जौन गलती कर दिलक हम कहीं चाहे केहू को केहू करे वो समझ। अपने बातों में एक शब्द का उच्चारण किया, अश्लीलता। जैसे देखा जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन अश्लीलता को लेकर बहुत सारे अश्लीलता गाना गाकर ही फेमस हो जाते हैं बहुत लोग, किसी सिंगर का मैं नाम नहीं लूँगा, और बहुत सारे लोग अश्लीलता के खिलाफ होते हैं। तो अश्लीलता के खिलाफ होना और अश्लीलता को ही गाना कितना समझते हैं आप? देखिए हम बताते हैं, पहले जो जमाना था वो जमाना को छोड़िए जी, अभी ये 2022 चल रहा है, आप नज़रिया उठा के देखिए कि भोजपुरी में इतना बदलाव हुआ है, चाहे वो वीडियो हो चाहे अश्लील के लिए। अश्लील अब कोई बड़े कलाकार नहीं गाते, जिनको अपने इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल है वो नहीं गाते, जिनको इज्जत प्रतिष्ठा का ख्याल ही नहीं है वो तो गाएंगे ही बिल्कुल। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे दर्शक जो भी हैं ये लोग बहुत सीधे होते हैं, समझ रहे हैं, बड़ा मेहनत से गाना बनता है, बट पब्लिक हमारे जो दर्शक हैं तुरंत जस्ट सेकंड में वो उसका रिजल्ट देते हैं, अरे गाना बढ़िया बा तो उसको 5 बार सुनेंगे, बढ़िया नहीं है तो अरे भगा भगा होता है ना, हम चाहे कोई आप कोई भी ऐसे बिल्कुल। तो यहाँ लोगिन भी थोड़ा सा उस सोच के बदली, ठीक ना, जे लोग अश्लील का होता हम होगी चाहे वो ओके डिसलाइक करें, और अश्लील मुक्त भोजपुरी अपन होता, ये बात नहीं है कि नहीं क्यों होता। आप देख लीजिए एक साल के अंदर इतना चेंज भइल बा भोजपुरी में, इतना चेंज एल्बम से लेकर फिल्म तक कि आप देखिए, वीडियो के कैटेगरी देख ली चाहे अश्लील के लेके देख ली सब दूर बा। अब जे जो हम ही ना कहें कि हम बहुत बड़ा पुरान कलाकार हैं और पुराना बानी दिस डेट, लेकिन जे लोग बहुत लोग चाहे ला कि हम अश्लील गा के नाम कमा लें, खैर हमनियों दो अथी गल बन से बात नहीं, लेकिन अब हमके 1.5-2 साल से हम बिल्कुल ही सबसे हमके कोनो दिल ना करे ला ये सब गाने का। सर एक और चीज़ जानना चाहेंगे, जैसे आप एक लेवल पे आ गए हैं तभी तो एल्बम के बाद आप फिल्म कर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे भी बहुत सारे आपके छोटे छोटे भाई बहन बिहार के होंगे जो गायकी लाइन में, फिल्मी दुनिया में, एक्टिंग लाइन में आना चाहते हैं, पसंद करना चाहते हैं कि हम इस फिल्म करेंगे, गाना गाएंगे, ऐसा गाना गाएंगे, तो उन छोटे कलाकारों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए सबसे पहले हम ये कहे, हम अपन बात बतावत नहीं, इंटरव्यू बहुत बड़ा हो जाए लेकिन संक्षिप्त में बतावत नहीं, जैसे कि हमारा फैमिली से केहू भी म्यूजिक से दूर दूर तक रिश्ता ना, तो हम कैसे रिंग रिंग के आयल बनी हैं हम जानता नहीं, और बहुत ज़्यादा ही मेहनत करके हम आयल बनी यहाँ तक। और जितना भी हमर भाई बहन या जे भी अगर इंडस्ट्री में आवे के चाहता नहीं, संगीत में कुछ करे के चाहता नहीं, तो सबसे पहले आप देखिए जे जौन गलती कर दिलक हम कहीं चाहे केहू को केहू करे वो सब मतलब ना कि आप खाति कहते नहीं आप हमारे हैं का कि हमारे गाना सुनी ले रुआ जी। सबसे पहले आप कोनो क्लास ज्वाइन करी, हारमोनियम के क्लास ज्वाइन करी, ये नहीं कहे कि शास्त्रीय गायक बनी आप, लेकिन कुछ नॉलेज ली ओकरा बाद आप गाना एल्बम बनावल शुरू किए। देखिए आज के डेट में आप देखते हैं सब जगह स्टूडियो हो गए, लेकिन सब जगह स्टूडियो ही बा तो बड़ा स्टूडियो में काम कम थोड़ी बा, ना ना जो दिल्ली पटना बनारस वगैरह मुंबई स्टूडियो बा, तो आप सब सबसे पहले आप सब क्लास ली, ओकरा बाद आप सब कैसेट गाई एल्बम गाई, ओके बाद आपके देखते पहले हमने के जमाने में 8 गो जब स्टार्टिंग करे 8 गो गाना से कम ना बने, तो 1 गो गाना बन जाता, एक एल्बम में 8 गाने रहते, 8 गाना 8 गाने से कम गनवे ना बने जी जी। तो आप सब तैयारी करी उकरा बाद बढ़िया से मेहनत करी, सेहत पे ध्यान दी, और कलाकार बहुत ज़्यादा मेहनत करला, मेहनती भी होला केहू भी होके, हमनी एगो हम चाहे केहू भी होके, तो आप सब खूब मेहनत करी और आगे बड़ी मम्मी पापा का ख्याल रखी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका शाह न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और अपने शूटिंग से टाइम निकाल कर मुझे समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे भाई हैं, आप तो भाई हैं, आप भाई हैं तभी तो आए भाई कहीं जी जी। चलिए बहुत